हॉल्ट बोल रहा है कि चंद्रशेखर यादव को टिकट मिलेगा। वशिष्ठ नारायण सिंह को यानी पार्टी कार्यालय में हर जगह हमने दावेदारी को पेश किया है। मैं आपके इस कार्यालय पर आत्मदाह कर लूंगा अगर जो है सो माने कि ये सीट अगर आप जनता दल यू के खाते में नहीं रखते हैं तो। दूसरी बात है कि पार्टी का जो निर्णय होगा उसको मजबूत करेंगे, उसको मानेंगे, उस पर हम लोग चलने का काम करेंगे। लाइव सिटीज में आपका स्वागत है और मैं हूं हमजा। जहां जेडीयू के तरफ से अब टिकट बंटवारा होना शुरू हो गया है, फर्स्ट फेज को लेकर कुछ उम्मीदवारों की एक तरह से घोषणा भी हो गई है। अभी सेकंड फेज और थर्ड फेज के जो बाकी लोग हैं, अभी टिकट बटा नहीं है, उसको लेकर जो दावेदार हैं अभी भी जेडीयू के दफ्तर के अंदर और बाहर आपको देखने को मिलेंगे। ये देखिए कुर्सी लगा हुआ चारों तरफ, जिधर भी आपकी नज़र जाएगी और दावेदार और उनके समर्थक सब बैठे हुए। आइए हम बातें करते हैं, जानते हैं क्या नाम है, किस विधानसभा से हैं। आपका नाम? मैं चंद्रशेखर प्रसाद यादव। किस विधानसभा से? बरारी विधानसभा 68 से मैं दावेदारी के लिए उम्मीदवार हूँ। दावेदार जी, दावेदार है जी। तो अब तो बस टिकट बंटवारा होना भी शुरू भी हो गया। अब कैसे लास्ट टाइम में क्या लगता है, मतलब अंदर वाली फीलिंग, हम लोग एग्जाम देते थे बड़ा धक 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 करता था रिजल्ट आने से पहले। ये हॉल्ट बोल रहा है कि चंद्रशेखर यादव को टिकट मिलेगा। अच्छा, ये हॉल्ट बोल रहा है और मैं दावे के साथ बोलता हूँ, माननीय ये शब्द माननीय हम सभाओं के नेता जो है, बिहार के हम सभाओं के अभिभावक माननीय नीतीश कुमार जी, उनको भी ये शब्द आप सुनाएंगे। मैं सीना ठोक के दावे के साथ कहता हूँ, जो ही यहाँ मुझे शैम्बुल मिलेगा, बरारी के धरती पर विजय की घोषणा होगी, विजय की घोषणा होगी। पूरे बिहार के अंदर में बरारी विधानसभा एक नंबर लीड होगा। चंद्रशेखर यादव जो ही जदयू का उम्मीदवार बन के जाएगा। जी आपका नाम? मोहम्मद मंजूर आलम। किस विधानसभा से हैं? पूर्णिया जिला 22 विधानसभा 57 से। जी दावेदारी के लिए? जी। अब तो टिकट बंटना शुरू हो गया, अभी भी उम्मीद है, कायम है? नहीं, पार्टी के जो है नेताओं के पास हमने अपना बायोडाटा डाला है, माननीय विजेंद्र बाबू को, उसके बाद जो है वशिष्ठ नारायण सिंह को, यानी पार्टी कार्यालय में हर जगह हमने दावेदारी को पेश किया है। इसलिए कि हमने 14-15 साल से इस पार्टी में संगठन का काम किया, प्रखंड अध्यक्ष के रूप पर रहा है, और उसके बाद और जो सरकार की जो योजनाएं चली, सरकार की जितने योजनाएं चली, सरकार के जितने कार्यक्रम चला, जितना मैंने वृक्षारोपण हुआ और सात निश्चय वगैरह का जितना भी सरकार का काम हो, उसमें मेरी भागीदारी रही है, और संगठन के प्रति हमारा बहुत निष्ठापूर्वक मैंने काम करने का भी काम किया है। और उसके बाद मैंने जिला परिषद प्रतिनिधि के रूप पर मैं 2 बार वहाँ से नेतृत्व करने का मुझे मौका जनता वहाँ की जनताओं ने दिया है। और आपको उम्मीद है कि दावेदारी मिलेगी? 15 साल से मैं पैक्स चेयरमैन के रूप पर अब भी कार्यरत हूँ, अब भी मैं प्रखंड अध्यक्ष के रूप पर अब तक मैं बने हुए हैं, इसलिए मेरी दावेदारी है। और मैं इस नियत से आई हूँ और सरकार की को मैं अपना सारा बायोडाटा के साथ मैंने अपना फाइल दे दिया है। जी आपका नाम? जी मेरा नाम है, मैं मुजफ्फरपुर जिला से हूँ, 96 बोलराज विधानसभा, जदयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष मजहरुल हक मेरा नाम हुआ जी। और हम लोग 96 बोलराज विधानसभा। अच्छा, ये बताइए, अब तो दावे टिकट मिलने लगा, जो भी दावेदार थे अब उनको टिकट कंफर्म होने लगा, अभी भी क्या है, अभी भी आप लोगों का दावेदारी? फर्स्ट फेज के प्रत्याशियों को जो भी फर्स्ट फेज में नाम चयनित हुआ है उन लोगों को टिकट दिया जा रहा है। सेकेंड फेज के टिकट का डिसीजन अभी तक नहीं हुआ है। 96 बोलराज विधानसभा क्षेत्र जो है सो हमेशा जदयू का परंपरागत सीट रहा है और वहाँ हम लोगों ने, रमेश भाई ने, इन लोगों ने वर्षों बरस खून पसीना और पैसा एक कर करके और वहाँ पार्टी को अपने सींचने का काम किया है और वहाँ संगठन बोल रहा है। अगर जनता दल यू वहाँ से प्रत्याशी बनाती है, हमको, रमेश भाई को, चाहे और कैंडिडेट है, किसी को भी अगर प्रत्याशी बनाती है, तो वहाँ रिकॉर्ड वोट से मुजफ्फरपुर जिला में सबसे ज़्यादा वोटों से पार्टी जीतेगी। लेकिन सुनने में आ रहा है कि उस सीट पर भाजपा जो है सो माने की दावा कर रही है। मैं आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से आपके इस चैनल के माध्यम से आग्रह करता हूँ, करबद्ध जो आग्रह करता हूँ कि वो सीट मेहरबानी करके आप जनता दल यू के लिए ही रखें, नहीं तो वहाँ पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए ये खुदकुशी की ये होगी। और मैं
मैं फिर से माननीय मुख्यमंत्री से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि अगर ये सीट आप जनता दल यूनाइटेड के खाते में नहीं रखते हैं तो वहां मैंने खून पसीना और पैसा से पार्टी को सींचा है, मैं आपके इस कार्यालय पर आत्मदाह कर लूंगा अगर जो है सो माने कि ये सीट अगर आप जनता दल यू के खाते में नहीं रखते हैं तो। जी समझे कि नहीं जी, मतलब इतना बड़ा वहाँ खून, हाँ खून पसीना और पैसा से हम लोगों ने पार्टी को सींचा है और वहाँ संगठन मेरा बोल रहा है। वहाँ नीतीश कुमार जी का हर एक बूथ पर 10 यूथ हम लोगों ने तैयार कर रखा है और हर एक बूथ पर हमारे वर्कर हैं और वहाँ 25 साल हमारे विधायक रहे स्वर्गीय शशि कुमार राय जनता दल यूनाइटेड से। मेरा परंपरागत सीट है, वहाँ भाजपा 2-3 बार चुनाव लड़ी लेकिन एक बार भी चुनाव नहीं जीती, फिर किस बिना पर आप भाजपा को सीट देने की बात कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी आप जो है सो मेहरबानी करके इस सीट को भाजपा के कोटा में रखिए, मैं प्रार्थना आपसे करता हूं पार्टी हित में, मरते दम नीतीश के संग, जय बिहार जय नीतीश कुमार, नीतीश कुमार जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। जी जी आप बताइए। देखिए मजहर भाई और मैं क्योंकि बरुराज विधानसभा को शुरू से आज से नहीं 94 से लेकर आज तक जनता दल यू का प्रखर बनाया, सभी कार्यकर्ताओं को एक्टिवेट किया, हर बूथ पर हमारा कमेटी और टीम बना हुआ है, बूथ अध्यक्ष बूथ सचिव बनाए गए हैं, मुजफ्फरपुर जिला का नंबर वन आज जनता दल यू का सीट बरुराज बनता है और बरुराज जनता दल यू के खाते का सीट रहा है। 3-4 टर्म जनता दल यू के MLA शशि कुमार राय रहे हैं, हम लोग ईमानदारी से काम करके उनको जिताने का काम किया, आज जनता दल यू बरुराज में बोल रही है और वहाँ हमारे सहयोगी भारतीय जनता पार्टी के खाते में देने की जो काम हो रही है। आज तक भारतीय जनता पार्टी 2-3 चुनाव लड़ा है, तीनों चुनाव हार हुआ है उनका और जनता दल यू वहाँ मजबूत है। मैं ये नहीं कहता हूँ, जो मजहर भाई हमारे कार्यकर्ता साथी है, मैं भी कार्यकर्ता साथी हूँ, 94 काल का हूँ, जिसको पार्टी टिकट दे दे जनता दल यू की जीत होगी, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और मैं आग्रह करूंगा आदरणीय नेता नीतीश कुमार जी से कि हर हाल में इस परंपरागत सीट बरुराज को अपने खाते में रखा जाए, वो जीत सुनिश्चित है। धन्यवाद जी। आपका नाम? मेरा नाम सुधा चौधरी हुआ, मैं सकरा विधानसभा से आई हूँ दावेदारी के लिए, दावेदारी के लिए, और मैं जिला अध्यक्ष भी हूँ महादलित प्रकोष्ठ से। अच्छा। मेरा ये तीसरा टर्म है जी और मैं सकरा से। अच्छा ये चीज बताइए, अब तो टिकट का बंटवारा होना शुरू हो गया तो दावेदारी आप ही को क्यों मिले, बड़ा वजह बताइए। क्योंकि मैं 15 साल से पार्टी की सेवा कर रही हूँ और मैंने पंचायत स्तर से ही मैं पार्टी के मजबूत की हूँ। पहले महिला प्रकोष्ठ में मैं प्रखंड सचिव थी, उसके बाद प्रखंड अध्यक्षा हुई, उसके बाद मैं जिला अध्यक्ष बनी महादलित प्रकोष्ठ के, मेरा तीसरा टर्म है। इससे मुझे लगता है कि मैं उपयुक्त है और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करती हूँ एक बार मुझे सकरा विधानसभा की सेवा करने का अवसर प्रदान करें और मैं निश्चित ही उनके विश्वास में खरा उतरने का कोशिश करूंगी। जी आपका नाम? मोहन प्रसाद केसरी। किस विधानसभा से? बरुराज विधानसभा 96 से। अच्छा, अब तो टिकट बंटने लगा है, सबको मिल रहा है, अब दावेदारी के लिए हम दावेदारी किए हुए हैं। अच्छा, दावेदारी किए हुए हम अति पिछड़ा समाज नुनिया जाति से बिलोंग करते हैं जी, वहाँ हमारी 48,000 वोटर आबादी है जी और हम लोग उसके लिए पूरी तैयारी में है वहाँ। हाँ, अति पिछड़ा समाज से आते हैं, हमारे समाज की वह संख्या है और जब भी चुनाव होता है हाँ, तो हमारे समाज की भूमिका बहुत मजबूत होता है। तो इसी दावेदारी की बड़ी वजह क्या? बड़ी वजह से आए हैं। दूसरी बात है कि पार्टी का जो निर्णय होगा उसके उसको हम लोग मजबूत करेंगे, उसको मानेंगे, उस पर हम लोग चलने का काम करेंगे और चाहे जो परिस्थिति आए उसका सामना करने के लिए हम लोग तैयार हैं। तो इसीलिए आपकी मजबूत दावेदारी है जी, मिलती है तो जनता आशीर्वाद देगी आपको, क्या लगता है? दे रही है जनता, पूरी दे साथ है, एकजुटता के साथ खड़ी है। आपका नाम? हमारा नाम फैज अहमद हुआ। किस विधानसभा से? मैं गोपालगंज जिले के बरौली विधानसभा क्षेत्र संख्या 100 से हूँ जी। टिकट की टिकट तो अब मिलना शुरू हो गया है, आप दावेदारी के लिए हैं, क्यों मिले टिकट, क्यों, बड़ी वजह क्या? क्योंकि पूरे गोपालगंज छपरा सिवान सारण कमिश्नरी का बरौली विधानसभा इकलौता विधानसभा क्षेत्र है जहाँ सबसे ज़्यादा अल्पसंख्यकों की संख्या है, लगभग 1,00,000 अल्पसंख्यक का मत है बरौली विधानसभा क्षेत्र में, जिसके कारण हम लोगों की दावेदारी है बिहार सरकार के
माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी से, हम लोगों के मुखिया से, कि वहाँ से कम सारण कमिश्नरी से एक अल्पसंख्यक को लड़ाया जाए, जिससे पूरे विधानसभा पर इसका बेहतर असर पड़ेगा। जी आपका नाम? मेरा नाम अतीश कुमार सिंह है। किस विधानसभा से? मैं 112 विधानसभा क्षेत्र महाराजगंज सिवान से हूँ। जी अभी तो दावेदारी के लिए टिकट तो बटना शुरू हो गया, अभी भी आप लोग लाइन में हैं? जी हमारा जो 36 पंचायत है विधानसभा के अंदर में, अगर नगर पंचायत भी है, और सभी पूरे महाराजगंज 112 विधानसभा दोनों प्रखंड, भगवानपुर और महाराजगंज प्रखंड, दोनों प्रखंड के सभी जनता जो है, मेरे पापा 13 बरस वहाँ से जदयू जनता दल यूनाइटेड से विधायक थे, और आज 6 बरस पहले इनकी मृत्यु हो गई, और उनके मृत्यु के बाद में मैं पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता हूँ, और मैं 112 विधानसभा क्षेत्र से काफ़ी उपलब्धियाँ दिखाना चाहता हूँ। मेरा नाम मोहम्मद वसीम है। जी वसीम जी, कि कहाँ से हैं, किस विधानसभा से हैं अभी आप? देखिए वैसे तो हमारा विधानसभा जो है मधुबनी जिला के बिस्फी विधानसभा है जी। हम समाजवादी पार्टी के अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष थे। आज हमने अपनी पूरी टीम के साथ, पूरे बिहार की टीम के साथ, लगभग 300-400 लोगों के साथ आज हमने जदयू की सदस्यता ले ली है। आज हमने जदयू के अल्पसंख्यक के प्रदेश अध्यक्ष जनाब तनवीर अख्तर साहब की मौजूदगी में और अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जदयू के वरिष्ठ नेताओं के मौजूदगी में आज हमने जदयू की सदस्यता ली। तो ये हॉल्ट बोल रहा है कि चंद्रशेखर यादव को टिकट मिलेगा। वशिष्ठ नारायण सिंह को, यानी पार्टी कार्यालय में हर जगह हमने दावेदारी को पेश किया है। मैं आपके इस कार्यालय पर आत्मदाह कर लूंगा, अगर जो है सो माने कि ये सीट अगर आप जनता दल यू के खाते में नहीं रखते हैं तो। दूसरी बात है कि पार्टी का जो निर्णय होगा उसके उसको हम मजबूत करेंगे, उसको मानेंगे, उस पे हम लोग चलने का काम करेंगे।